बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद जी। मेरी आज की वीडियो एक बहुत खास होने वाली है और ये उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो पीपीएससी में जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में बहुत परेशान हैं कि वो किस तरह से आते हैं और हमने उनको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारा मुताला करने के बाद कुछ जनरल नॉलेज को इस किस्म में बनाया है कि जो पीपीएससी का जो रिटन टेस्ट होता है ना, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि 100 एमसीक्यूज के होते हैं। उस 100 ऑब्जेक्टिव में से जो 80 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट होते हैं और जो बाकी जो रिमेनिंग 20 एमसीक्यूज होते हैं वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होते हैं। और इनको सोल्व कैसे करना है या इनको ऊपर रिपेयर कैसे करना है वो हम देखते हैं। बट जो पीपीएससी के जनरल नॉलेज में जो 4 एमसीक्यूज हैं वो 4 एमसीक्यूज आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में से, 4 एमसीक्यूज आते हैं करंट अफेयर्स में से, 4 एमसीक्यूज आते हैं इंग्लिश में से, 2 एमसीक्यूज आते हैं जनरल साइंस में से, 2 एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर आईटी से और 2 एमसीक्यूज आते हैं जनरल मैथ्स में से और 2 एमसीक्यूज जो आते हैं वो आते हैं उर्दू में से। तो अब हम स्टूडेंट्स इन सारे एमसीक्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखते क्या है। तो पहले हम देखते हैं जो पाकिस्तान अफेयर होते हैं इनमें से एमसीक्यूज कैसे आते हैं। इनमें से 2 एमसीक्यूज बिफोर पार्टीशन आते हैं और 2 एमसीक्यूज जो होते हैं वो आफ्टर पार्टीशन आते हैं। जो बिफोर पार्टीशन आते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, क्या ज्यादा फिर होता है नकाज मिसाल के लखनऊ बंगाल सिंध हो गया, इसके अलावा गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो गई, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। और 2 एमसीक्यूज आते हैं वो आफ्टर पार्टीशन आते हैं, मीन के पाकिस्तान बनने के बाद के हालात वाकयात के रिलेटेड आते हैं। मसलन इसमें से ये आ सकता है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था, पाकिस्तान में पहला मार्शल ला कब लगा, किसने लगाया, कितने अरसे तक चलता रहा और इसके अलावा पाकिस्तान में पहला आइन कब पेश किया गया, किसने पेश किया गया और इसके अलावा पाकिस्तान में किस प्राइम मिनिस्टर ने या किस प्रेसिडेंट ने कितने अरसे तक अपनी वजारत पर बरकरार रहा। तो ये आपने सारे पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में इस्लामिक स्टडीज भी आ जाती है, इस्लामिक स्टडी इस्लाम के रिलेटेड बुनियादी चीजें हैं, जिहाद क्या है, जिहाद की कितने टाइप्स हैं, मिसाक मदीना क्या है, सुलह हुदैबिया क्या है वगैरह वगैरह, और इसके अलावा गज़वा उहद, गज़वा खंदक, गज़वा बदर, इन वाली चीज़ों में ये भी पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आप दूसरे नंबर पे आ जाता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपसे पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के मामला होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो रहा है कि दुनिया के किस मुल्क के प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म का नाम क्या है, उसके जो मशहूर तकरारी है उसने कब दी, इसके अलावा किस मुल्क की फेमस चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है तो इसकी जो फेमस है वो ज़रात है, तेल के हवाले से, मदनियात के हवाले से किस मुल्क में से ज़्यादा तेल पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी में पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है, इसके अलावा इराक में पाया जाता है तेल, तो ये भी इसमें जाती हैं। स्पेस में क्या ज़्यादा है, साइंसदान क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो साइंस का है वो फ्यूचर में किस चीज़ की ईजाद के पीछे बड़े हुए हैं, वो क्या ऐसी चीज़ ईजाद करना चाहते हैं फिर जो फ्यूचर में उनके बहुत ज़्यादा काम आ सके। तो इस तरह के बेटे जो करंट अफेयर्स में ये कह सकते हैं पाकिस्तान की फ़िलहाल की घड़ी में जो मौजूदा वजारत है उसका वजीर कौन है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के जो करंट चीफ जस्टिस कौन है, आर्मी चीफ कौन है, इस तरह जो नेवी चीफ है वो कौन है, तो ये मशहूर चीज़ें आती जाती रहती हैं। और इसके लिए बेटे अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की,
इंग्लिश में बेटे आपने क्या करना है कि ये भी बेसिक्स ग्रामर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें वोकैबुलरी होती है, सेंटेंसेस मेकिंग होती है, इसके अलावा जो कुछ स्पेलिंग्स के गलत होते हैं उनको करेक्ट करना होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, मीन की जो बेसिक्स ग्रामर होती है वो वाली चीज होती है। इसके अलावा बेटा अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में तीन चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखें जो फिजिक्स की बेसिक्स चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, न्यूटन के लॉज क्या है, एफिशिएंसी क्या है, पावर क्या है, बुनियादी चीज़ें जो कि 9वीं 10वीं क्लास में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी की, बायोलॉजी में प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, इन इंसेक्ट्स क्या होते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इस तरह की ये आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की क्लास में की बायोलॉजी में ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं। अब बेटी बात आ जाती है उर्दू की। उर्दू में जो दो अच्छी होते हैं वो किस तरह जाते हैं। उर्दू में बेटे बेसिक ग्रामर जो होता है कि मुज़क्कर मुअन्नस, वहद जमा, मतला, मक्ता, पाकिस्तान, दुनिया के जो उर्दू के जो मशहूर पोइट्स हैं, मशहूर जो शोरा हैं, उनकी पैदाइश कब हुई, वफात कब हुई, या कौन सा शेर किस शायर का है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शायर आ जाता है और नीचे ऑप्शन दिया जाता है कि ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान का है, मोमिन खान मोमिन का है, हसन रूहानी का है, अलामा इकबाल का है, तो इस तरह से जो उर्दू के रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। आगे जो अहम एमसीक्यू जाते हैं वो बेटे हैं कंप्यूटर एंड आईटी। एक एक एमसीक्यू दोनों में जाता है। कंप्यूटर क्या है, इसको किसने इजाद किया, कब इजाद किया, इसकी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसका प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये बेटे बेसिक बेसिक चीज़ें। इसके अलावा आईटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेट कब ईजाद हुआ, सबसे पहले ये दुनिया की किस कंट्री में आया है, इसकी जो मशहूर ऐप्स गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये क्या है, ये आईटी के रिलेटेड बैठे ग्लोबल विलेज के बारे में ये बेसिक्स चीज़ें आ जाती हैं। तो लास्ट में बैठे अगर हम बात करें जनरल मैथ्स की, जनरल मैथ्स क्या चीज़ होती है, जनरल मैथ बेटे वो 6ठी से लेकर 9वीं 10वीं तक जो है बड़ी बुक्स में, मसलन ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, सब सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, डेसिमल फॉर्म क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, बट इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो जनरल मैथ में आपको भी आनी आनी चाहिए। तो ये बेटे आई होप को जो मेरी आज की वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आखिर में बेटे एक चीज़ बात करें, अगर आपने IFSB, NDS, PSCSS, APPSC, जो भी जनरल नॉलेज की जो आपने किसी भी किस्म का अगर आपने एग्जाम को अटैम्प्ट करना है, तो आप आज ही से न्यूज़ चैनल्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, रेडियो के साथ, इंटरनेट के साथ और हिस्ट्री का मुताला करते रहें। हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो सबसे बेसिक जो मैं आपको लोगों को मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप 6ठी क्लास से लेकर FA FSC तक जो हर चीज़ है, खा वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, उर्दू है, मुतालिया है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इनको आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब हुआ करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और नॉलेज के लिए शेयर भी करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये मिलते हैं।